बैक टू माई चैनल। आज मैं करूँगी सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए में ड्राइंग। इस ये मैच बॉक्स है, लाइटर, क्योंकि जब भी हम इसे ऐसे चारकोल की तरह यूज़ करेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि बार बार आप इसको माचिस से नहीं जला पाओगे, और अगर जला भी पाओगे तो फिर ये ज़्यादा टाइम तक रहेगा नहीं, जैसे हमें चाहिए चारकोल के लिए। सो आपको एक माचिस चाहिए और एक लाइटर चाहिए और एक वाइटनर जो हाईलाइट करने के लिए चाहिए, अदरवाइज आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर लगे तो फिर यूज़ करना। और चाहिए, मैंने यूज़ किया ये ब्रिस्टो के पेपर्स, आप कौन से भी पेपर पे कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि यही पेपर चाहिए, बट मैंने ये वाले पेपर पे बनाया। आज मैं बनाने वाली हूँ गणपति जी की ड्राइंग सिर्फ 1 रुपए के मैच बॉक्स से। देखते हैं ये ड्राइंग कैसी बनती है। सो कि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस वीडियो को पूरा देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं ब्रिस्टो के पेपर यूज़ कर रही हूँ, ये 200 GSM के पेपर है और ये मुझे कुछ 400 समथिंग का पड़ा था, जिसमें 50 शीट या 40 शीट अवेलेबल है। और आपको एक मैच बॉक्स चाहिए और एक लाइटर जिससे हम अपनी ड्राइंग करेंगे। ये कुछ ज़्यादा ही लग गया था। मैंने गणपति जी की स्केचिंग पहले से ही करके रखी थी और अभी मैं नीडल इरेज़र की हेल्प से इसको इरेज कर रही हूँ। और अभी मैं अपनी ये ड्राइंग स्टार्ट कर रही हूँ माचिस की हेल्प से। इस माचिस को जला के इसका एज ए फॉर्म ऑफ चारकोल यूज़ कर सकते हैं हम अपनी पेंटिंग में। ये बिल्कुल सॉफ्ट चारकोल की तरह, जैसे हम यूज़ करते हैं ना मार्केट में अवेलेबल होती है पेंसिल्स, उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी है ये। बहुत इजीली ब्लेंड हो जा रही है, सबसे अच्छी बात है इसकी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं इससे कुछ ड्राइंग बना भी पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद इससे नहीं बन पाएगा, बट ये चारकोल से भी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है।
कि आपको ये वाली ड्राइंग कैसी लगी जो मैंने सिर्फ 1 रुपए में बनाई है, और मैंने इसके ऊपर फिक्सेटिव स्प्रे किया है, आप भी कर सकते हो इस पे फिक्सेटिव स्प्रे अगर आपके पास अवेलेबल हो, नहीं है तो फिर भी चारकोल है ना बहुत जल्दी मर्ज हो जाता है, इसके लिए हमें इसके ऊपर फिक्सेटिव स्प्रे करना पड़ता है कि इसके बाद में ये कभी भी मर्ज ना हो। ये देखो ये फिंगर पे नहीं आएगा क्योंकि मैंने इसके ऊपर फिक्सेटिव स्प्रे किया हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।